लोग कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, वेस्ट इंडीज वाले बोलोंगे गांड बची तो लाखों पाए। मारने वाली थी लिटरली कल तो भाई, लिटरली एक टाइम पे जब चार ओवर में 40 रन चाहिए थे ना, मतलब वेस्ट इंडीज का तुम देखो इतनी तगड़ी टीम होता है, आंड रसल 8वें नंबर पे बैटिंग पे आता है, उसके बावजूद भी तुम्हें लास्ट के चार ओवर में 40 रन चाहिए और आंड रसल को आगे जिताना पड़ा, तो तुम्हारी भाई कहां की बैटिंग है ये? सच्चाई है भाई, आंड रसल वो तो शिलाजीत का है। वो सब चीज छोड़ो, तुम्हारा होम ग्राउंड होते हुए तुम्हारे बंदों की गांड तक फट गई थी भाई, क्या खेल रही है ये वेस्ट इंडीज, किसने देखी थी? चलो जॉनसन चार्ल्स या तो चलेगा तो भाई 20 में 40 मारता है, और नहीं चलता तो एक दो बॉल में आउट होता है, तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। ब्रैंडन किंग ने सही थी, निकोलस पूरन 15 बॉल में 2-3 रन पे था, और वो भी जब था भाई जब वो पहली बॉल पे डक था। अरे वो चीज छोड़ो, पावर प्ले में बंदा 15 बॉल में 5 रन पे है, बहुत बहुत देख देख के खेलने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो नेचुरल गेम था ही नहीं उसका। हाँ मतलब तुम्हें करना यार क्या करना था, तुम्हें हिटिंग ही करनी थी, चाहे तुम जल्दी आउट होते चाहे कैसे भी आउट होते, तुम हिटिंग करने जाते। तुम रन रेट तो देखो, तुमने पीएनजी के खिलाफ लास्ट ओवर में मैच जीता, और जो तुम्हारे ग्रुप स्टेज ग्रुप में ऐसी ऐसी टीमें हैं कि उनसे तुम्हें अगर रन रेट तुम्हारा अच्छा रहता ना तो तुम्हें कल एक बढ़त मिल जाती। जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई वेस्ट इंडीज को हम टॉप 4 में देख रहे हैं, कल के मैच के बाद वो अब ये बात नहीं बोलने वाले। देखो टॉप 4 में मिल सकती है, नहीं मतलब टॉप 8 में मिल सकती है, लेकिन टॉप 4 में पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और बंदों के जो स्पिनर है ना, कल तो फिर भी इतनी अच्छी स्पिन अटैक नहीं थी, उसके बावजूद वो तुम्हें लास्ट ओवर तक ले गए। लेकिन जो बाकी और टीम्स है उनके पास भाई, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद, मोइन अली, ये दो बेस्ट स्पिनर है, तुम्हारे इंडिया के पास तो 4-4 स्पिनर लेके गए, 2-3 भी खिला ले तुम्हारी फट जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर भी एडम जैम्पा है, मतलब और टीमों पे इतने बेस्ट बेस्ट स्पिनर है, तुम्हारी बॉलिंग वैसी वीक है। जब पीएनजी जैसी टीम तुम्हारे खिलाफ 136 मार गई तो भाई और दूसरी टीम है तो 180 आराम से मार जाएगी भाई। मैच जीतने के बाद तो कोई कुछ भी कह सकता है, रोशन चीज बोला मैं बिल्कुल श्योर था भाई, जब तू ग्राउंड पे होगा तेरी भी फट रही होगी भाई। देखो जब लास्ट ओवर में जब वही चीज हो गई थी ना, 4 में 40 चाहिए थे, उस रोशन चेज के रन का भाई जब आंड रसल का छक्का आया, जैसे आंड रसल का छक्का आया रोशन चेज भी खुल गया कि थोड़ा सा प्रेशर हटा, उसके बाद उसका चौका छक्का आया, जब जाके वो प्रेशर पूरा हटा, नहीं तो जब तक तो इनकी बिल्कुल फटी पड़ी थी भाई, ये क्या हाथ के गया बिल्कुल। तुम्हारा निकोलस पूरन ने इतना अच्छा नहीं दिया, रोमन पोवल और कौन कौन बैट्समैन थे इनके, एक रोमारियो शेफर्ड आया था पहले, रोमारियो शेफर्ड, मतलब आंड रसल से पहले तुम रोमारियो शेफर्ड भेज रहे हो, नहीं रोमारियो शेफर्ड नहीं आया था, पर फिर भी अच्छी बात, वो शेफर्ड रदरफोर्ड, शेफर्ड मतलब सिमरन हेटमायर के होते हुए तुमने रदरफोर्ड को लिया, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा अच्छा वार्म अप देके गया था, तो चलो तुमने हेटमायर को छोड़कर रदरफोर्ड को लिया, लेकिन यही तो मैच था ना जहां पे तुम्हें उसे शो करना था, एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है। रदरफोर्ड एक रदरफोर्ड देखो नया प्लेयर है, लेकिन सिमरन हेटमायर ने राजस्थान के लिए भी तो ये करा, जो फंसा हुआ मैच होता था उसे वो जिता के लेके जाता था, वही अगर कल रदरफोर्ड करता तो तुम कहते भाई हमारा प्लेयर अच्छा है, लेकिन वही था। अब जो मेन रहेगा ना इस मैच के बाद भाई, पप्पा नूनिया को भी पप्पू पापा बन गया, जब बोल रहे थे पप्पू नूनिया या पापा बन गया भाई, अगर उनके सारे मैचेस बारबाडोस या गुआना में हो गए ना, वो भाई 2-3 मैच तो जीत सकते हैं, और उन्हें 2-3 ही जीतने हैं, एक तो चलो कल हार गए, वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस से लेके गया है, तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई होगा। एस भाव की पहली 50 आ गई भाई वर्ल्ड कप में, पहले मैच में इतनी बड़ी बात हो गई, और ए वाला ने भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तुम्हारे, मतलब एक दो बैट्समैन लास्ट में, एक बैट्समैन था कौन था वो, विकेट कीपर था उनका, किल्पिन डोर दिया, वो भी अच्छा खासा रन मार गया। लेकिन यार देखो ना, जो छोटी टीम होती है ना, ये नहीं पता होता जब तुमने लास्ट ओवर में 2 चौके मार दिए उसके बाद स्ट्राइक चेंज मत करो, तुम ही स्ट्राइक पे रहो, तुमने विकेट की कोई और फिर वापस वो आया, फिर उन्होंने सिंगल ले लिया, नया बैट्समैन आगे कर दिया, तो इन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे कंट्रीब्यूशन करना है वर्ल्ड भाई। बस यही एक खास बात होती है, नई टीमें आएंगी, नई नई चीजें सीखेगी, और हम अपसेट का इंतजार करते हैं भाई, मजा आता है यार, अगर कल अपसेट हो जाता ना तो इतना मजा आ जाता है, वेस्ट इंडीज का जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना वो डुबा ले जाता, अगर पीएनजी से आ जाती ना उनका फिर से सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल हो जाता। तो कल के मैच में तो ये था, आखिरकार वेस्ट इंडीज ने रो पीट के जीत लिया मैच, और रोस्टन जब चेजर ने चेज कर लिया, बाकी आपको मिलेंगे आगे मैचेस में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।